हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू मेरीडिया. दिस इज उमर तारिक. तो आई रिसीव्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस के इज डूइंग इलेक्टिव इन पाकिस्तान, इलेक्टिव इन पाकिस्तान और यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर एल्स कैन हेल्प. सी दिस आंसर अनफॉर्चुनेटली नो. अगर आप अपने होम मेडिकल स्कूल में जो रोटेशंस कर रहे हो ना, आप जहां भी हो, केई में हो, डाओ में हो, खान में हो, रावलपिंडी में हो, फातिमा जिना में हो, अल्लामा इकबाल में, जहां भी हो, जो आप रोटेशंस अपने मेडिकल स्कूल में करते हो वो ही इलेक्टिव होते हैं आपके. अब आप अगर एक दूसरे मेडिकल स्कूल में जाके कुछ सीखना चाहते हो तो दैट्स फाइन, लेकिन वो एक सिस्टम दूसरा नहीं है. और फिर क्वेश्चन आता है, अच्छा चलो सही है, इसका मतलब पाकिस्तान में इलेक्टिव करना इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करते. अनफॉर्चुनेटली नहीं. कुछ लोग कह सकते हैं कि चलो आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल चल जाओ या हम चल जाओ और एमडीज के साथ काम करो और एमडी से लेटर ले लो. इवन देन देर इज नो नो यू नो रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्टिव्स या ऑब्जर्वरशिप. जो यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जिसमें एक्सटर्नशिप, इलेक्टिव्स और ऑब्जर्वरशिप आती हैं. अब आप, हाँ, सिर्फ कैनेडा इज एन एक्सेप्शन. कैनेडा में आप कुछ भी करते हो तो दैट वुड हेल्प यू इक्वली समवॉट. अब आप इसके अलावा कहते हैं, अच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ कर लूँ, न्यूजीलैंड जाके कर लूँ, यूएस यूके जाके कर लूँ, दुबई में जाके कर लूँ, सऊदी में जाके कुछ भी कर लो ना, कहीं भी जाके. अनफॉर्चुनेटली यूएस का सिस्टम काफी ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा प्रोग्राम डायरेक्टर्स हैं जो कि उनको पता नहीं है. असल मसला ये कि उनको पता नहीं है कि दुनिया बाहर की क्या है और वो इसलिए वैल्यू नहीं करते. अगर आपको कोई ना कोई थोड़ा फॉरेन ग्रेजुएट प्रोग्राम डायरेक्टर मिलेगा जिसको जरा ज्यादा पता है ना, तो ही और शी माइट डू इट, माइट कंसिडर इट अ लिटिल बिट कि हाँ, उसको पता होगा कि आपने जहां पे इलेक्टिव किया वहां पे कितना मुश्किल है, यहाँ का वहां का सिस्टम क्या है. अगर लेट्स से अगर कोई बंदा पाकिस्तान से उठ के आ रहा है और आप उसे बताते हैं कि मैंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, शौकत खान में, आ खान में काम किया है, तो दे माइट रिस्पेक्ट दैट कि यार आपने एक अच्छी जगह पे कुछ कुछ अर्सा काम किया है. लेकिन अगर एक रैंडम गोरे को तो नहीं पता कि आप ये कौन सी जगह है और आपने यहाँ पे क्या काम किया. दैट बीइंग सेड, जब यूएस में आप कुछ भी कहते हो ना, चाहे आप एक प्राइवेट क्लिनिक में भी हो, दे नो वट टू एक्सपेक्ट क्योंकि सारी चीजें स्टैंडर्डाइज हैं. और अगर आप किसी को बता रहे हो यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम, दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट कि कैसे काम होता है ओवरऑल. जैसे काम हॉपकिंस में होता है ओवरऑल क्लिनिकल काम, वैसे ही काम जो है एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होता है. फर्क ये है कि हॉपकिंस में टॉप के डॉक्टर्स बैठे हैं, उनकी रिसर्च वगैरह होती है, हॉस्पिटल बड़ा है, लेकिन राउंड भी वैसे होते हैं, हिस्ट्री भी वही वैसे ही इकट्ठी होती है, एग्जामिनेशन भी वैसे ही होता है, ऑर्डर्स भी वैसे ही डाले जाते हैं, डिस्चार्जेस भी. तो वो बेसिकली चाह रहे हैं कि जो आपको अमेरिकन सिस्टम है ना उसकी समझ आ जाए. वो आपका हो नहीं सकता अनटिल अनलेस यू इन अमेरिका या अमेरिका में आप प्रैक्टिस करो. आप पाकिस्तान में जाके कर रहे हो, दैट इज नॉट गोना रियली, अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट गोना रियली हेल्प यू. और दूसरी एक और बात आती है, आप इलेक्टिव जो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट्स इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल इलेक्टिव. अगर आपने, आई डोंट नो इफ इट्स बीइंग यूज्ड एनीमोर, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन 10-15 इयर्स अगो. अगर आप अपने मेडिकल स्कूल में जो इलेक्टिव करें वो इंट्राम्यूरल है, और अगर आप अपने मेडिकल स्कूल के अलावा अपने कंट्री में जो कोई और इलेक्टिव कर रहे हो वो एक्स्ट्रा म्यूरल है. आई डोंट थिंक इट्स रेलिवेंट एनी मोर, आई डोंट थिंक एनीबडी केयर्स, बट आई थॉट कि जस्ट इन केस अगर आपको कभी कोई पूछे तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट इट. तो अप्लाई टू डू, ट्राई टू डू ऑल योर क्लिनिकल वर्क इन यूएस एज मच एज यू पॉसिबली कैन. अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर अगर नहीं मिलता तो इज इट इवन पॉसिबल कि आपको रेजिडेंसी मिल जाए, कि रेजिडेंसी के दरवाजे बंद हो गए अगर आपको के पास कोई इलेक्टिव नहीं है, कोई ऑब्जर्वरशिप नहीं है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार. हर साल आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, ना रिसर्च होती है ना इलेक्टिव होती है, उनको रेजिडेंसीज मिलती हैं और वो करते हैं. फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपके चांसेस जो हैं रेजिडेंसी मिलने के कम हो जाते हैं. और दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने किया होता है उनको बहुत अच्छे प्रोग्राम से मिलती है रेजिडेंसी, और जिन्होंने इलेक्टिव, ऑब्जर्वरशिप, रिसर्च कुछ नहीं किया होता उनको रिलेटिवली थोड़े कम अच्छे प्रोग्राम्स जो होते हैं, कुछ मलेग्नेंट और टॉक्सिक भी होते हैं, वहां पे रेजिडेंसीज मिलती है. ठीक है, चलो, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. इफ इट डिड प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद अदर्स, एंड लाइक आई ऑलवेज से, वर्क हार्ड, नेवर गिव अप, नेवर लूज होप. बाय.